एक आदमी पी ने एक शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन 4,32,000 में खरीदी। किसी कारण से उसका मूल्य 25% प्रतिवर्ष गिरता रहा और 2 वर्ष बाद उसने यह जमीन क्याउ को बेच दी। उस समय शहर का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे की नई परियोजनाएं आना शुरू हुई। विस्तार के परिणाम स्वरूप स्थावर संपदा यानी रियल एस्टेट के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी हुई। जब क्याउ ने पी से यह जमीन खरीदी, उसके 2 वर्ष के बाद उस जमीन का मूल्य कितना होगा? तो इसने खरीदी थी 4,32,000 में, पी ने खरीदी थी, और उसका मूल्य 25% प्रतिवर्ष गिरता रहा। तो 2 वर्ष बाद उसने क्याउ को बेची, तो क्याउ को कितने रुपए में बेची होगी? 25% मूल्य गिरता रहा है, 25% होता है 1/4, यानी कि पहले 4 था तो 1 गिर जाएगा, तो कितना हो जाएगा अब? 3, 3/4 हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। तो इतने मूल्य में उसने क्याउ को जमीन बेच दी। फिर कह रहा कि क्याउ ने जब जमीन खरीदी, उसके 2 साल बाद इसका मूल्य कितना होगा? अब उसके बाद 50% की बढ़ोतरी हुई, तो यानी कि 1/2 होता है 50%, तो पहले 2 था तो 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/2, और ऐसा 2 साल तक हुआ। अब इसका मूल्य कितना होगा ये हमें निकालना, तो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? 4 चौके 16, 16 से कैंसिल करें तो ये कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, फिर बचेगा 11, 16 सत्ते 112, और 2 दूनी 4, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 25, और 1 0 यहाँ पर है, तो 250 × 27। इसको सोल्व कर लेते हैं अब, ये हो जाएगा 3 3 9, यानी ये 81 हो जाएगा, 9 का क्यूब है। तो पहले 27 की मल्टीप्लाई 81 से कर लेते हैं, 81 से करेंगे तो 27, और 8 7 56, 8 3 16, 16 और 5 21, तो ये हो जाएगा 7 8 1 2। यहाँ से 1 0 थी 25 की मल्टीप्लाई, अभी से कर लेंगे 25 7 175, असल लगेगी 17, 25 8 200 200 और 17 यानी 217, असल लगेगी अब 21। फिर हो जाएगा 25 1 25, और 21 कितना हो जाएगा? 50 में से 4 कम यानी 46, असल लगेगी 4, 25 दूनी 50 और 4 54, तो ये हो जाएगा 5,46,750 रुपये। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सेकंड।